संसार में आसक्ति, संसार में आसक्ति अधिक है जिसकी, तो अब जो फ्री में वस्तु मिल गई, सुनने को मिल गई, वो ठीक है। अब कहीं जाने में दो बातें हैं, एक तो समय होना चाहिए उतना, दूसरे पैसा भी लगता है, और पैसे में सबसे अधिक आसक्ति मनुष्य की है, नंबर एक। नंबर दो में माँ है, बाप है, बीबी है, बेटे हैं, बेटी है, ये सब आते हैं, क्योंकि पैसे से ही सबका हिसाब बैठ जाता है। अगर पैसा नहीं है तो माँ भी प्यार नहीं करेगी, बाप भी नहीं करेगा, बेटा भी नहीं करेगा, भाई भी नहीं करेगा, पड़ोसी भी नहीं करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई प्यार नहीं करेगा, पैसा होगा तो वो आपका माँ बाप नहीं भी है तो पड़ोसी भी आके प्यार करेगा, गप्पे करेगा आपके पास बैठ के, कुछ मिल जाया करे। इसलिए पैसे से सबसे अधिक प्यार है लोगों का। इसीलिए भगवान कहते हैं, भागवत में लिखा है, यत यदिष्टतमं लोके यत चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। जो तुमको बहुत प्रिय वस्तु हो उसी का अर्पण कर दो हम, तो उससे तुम्हारा अटैचमेंट कम हो जाएगा। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था, हमको संसार हमारा छीन लो तो हम आपको याद करें। तो जहां अधिक प्यार है उसी का समर्पण करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। उसका समर्पण करने से फिर आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो फिर भगवान की ओर तेजी के साथ चलेगा। तो कोई भी व्यक्ति धन के देने में हिचकता इसीलिए है, तो उसका जो तत्व ज्ञान है अभी पक्का नहीं है, उस पर फेत नहीं है, विश्वास नहीं है। अब एक मोटी सी बात, सब लोग जानते हैं हमारे देश में, तो कम से कम राम नाम सत्य है, लेकिन मानते कितने? माँ सत्य है, बाप सत्य है, बेटा सत्य है, बीबी सत्य है, घर सत्य है, प्रॉपर्टी सत्य है, मानते इसको सत्य है, और बोलते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो ये सब असत्य है, अगर ये असत्य है इसमें अटैचमेंट जो है वो भी हमारा गलत है। पर नहीं, ऐसा नहीं, अटैचमेंट है इसलिए सत्य मानता है, ये प्रमाण है। बेटा मर गया, बाप मर गया, बीबी मर गई, कोई मर गया, उसके लाश को ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं। अगर रास्ते में उठ के बैठ गया हो तो फिर कोई नहीं बोलेगा, हे क्यों, अरे अब तो और राम नाम बोलो, उठ के बैठ गया ना ना, फिर मर जाएगा बोलोगे को। इतना मूर्ख है संसार, तो बोलना अलग बात है, अटैचमेंट मन का होता है वो है। धोखा खाता है हजार बार, उसी लाइफ में माँ से सुख मिला, फिर उसी से गाली मिली, अपमान मिला, बाप से सुख मिला, बेटे से सुख मिला, फिर उसके अपमान मिला, धन से सुख मिला, फिर वो धन बिछिन गया, ये सब एक लाइफ में आता रहता है, लेकिन फिर भूल जाता है, फिर उसी के पीछे घूमता है। कोई संत असली मिले और उस हमारे दिमाग में कूट कूट के भरे और हम उस पर विश्वास करके चले, तो जो जो हमारी शक्ति बढ़ेगी, अनुराग बढ़ेगा भगवान से, त्यों तो फिर ये नेचुरल दुख कम होता जाएगा, वैराग्य होता जाएगा। ऐसे सोच लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, सभी को वैराग्य संसार में होता है।
थोड़ी देर का, माँ बाप बेटा स्त्री पति ने अपमान किया, वैराग्य हो गया था, स्वार्थी है, भीतर भीतर सोचेगा सब, नफरत होती है, उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, सगे बाप से, सगे बेटे से, सगी बीबी से बात नहीं करता। लेकिन भगवान का तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए फिर उसी में आसक्त होता। तत्व ज्ञान सदा साथ रहे, जैसे शरीर का ज्ञान सदा साथ है आप लोगों के, हर समय शरीर ढके हुए हैं आप, टाई जरा टेढ़ी हो जा ठीक कर रहा है, कॉलर टेढ़ा हो गया ठीक कर रहा है, पैंट ठीक कर रहा है, दिन भर साड़ी को ठीक करती रहती है औरतें, ये ज्ञान नित्य है उसके साथ में कि शरीर को ढकना चाहिए, लोग पागल कहेंगे, ये डर के मारे, लोगों का इतना डर है और भगवान का डर नहीं कि उनकी उनका स्मरण करना चाहिए हमेशा, ये भूल गया, और शरीर का बड़ा ख्याल है, गंदा शरीर क्या ढक रहे हो, क्या है किसके शरीर में जो दूसरे को नहीं मालूम है, तुम्हारे ढकने से क्या हो जाएगा, मालूम तो है सबको तुम्हारे शरीर में क्या क्या अंग है। देखो पहले जमाने में लोग स्त्री का मुंह नहीं देखते थे, तो घूंघट में रहती थी, क्यों घूंघट में रहती हो, हमारा मुंह कोई देख लेगा, तो तुम्हारा मुंह मन और पुरुष के मुंह में कोई फर्क है, वो तो एक छेद है मुंह, वो सब का अलग अलग ढंग का होगा, और फिर जब तुम पैदा हुई थी तो सब तुम्हारा मुंह देखते ही थे, तुम 18 साल की हुई, शादी ब्याह हुआ तब तुम्हारा घूंघट काट लिए, अब घूंघट काट लिया तो लोग और देखने की चेष्टा कर रहे हैं, भले ही वो घोर कुरूप हो, एक बार देखे तो ये कैसी है, अब जब घूंघट निकल गया तो अस्तनों को छुपा रही हो, कौन नहीं जानता किसके स्त्री के अस्तन नहीं होते, दिन भर उसी की चेष्टा कर रही है स्त्री, तो जैसे शरीर की इतनी चिंता है ऐसे भगवान की चिंता भी कर लो तो कल्याण हो जाए, उसकी चिंता नहीं भूल जाते, गंदे शरीर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और शुद्ध भगवान का स्मरण करने में कतराते हो, ये तत्व ज्ञान को सदा साथ रखना पड़ेगा तब काम बनेगा। एक ब्राह्मण राजा भोज के यहां चोरी करने गया, उसको लड़की की शादी करनी थी, तो जो सामान उठावे उसमें शास्त्र याद आ जाए उसको कि इससे ये नरक मिलेगा, ये चोरी करेंगे तो ये नरक मिलेगा, बेचारा हर सामान को उठावे और छोड़ दे, ऐसे ही करते करते रात बीत गई, अब सवेरे राजा को जगाने के लिए सब उपक्रम होने लगा, स्त्रियां गाने लगी, डांस करने लगी, पंडित लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे, हाथी की गाड़ने लगे, घोड़े हिहिनाने लगे, राजा साहब उठे, ऐसे तो कोई जगा नहीं सकता, हिला कर राजा साहब को, बड़े आदमी, अब वो ब्राह्मण जो चोरी कर रहा करने गया था उसने कहा आप सब जाग गए, आप कैसे हम निकले बाहर, तो राजा साहब के पलंग के नीचे दुपक गए, जब जो होगा देखा जाएगा, दिन में कभी मौका मिलेगा तो निकलेंगे बाहर, नहीं तो फिर रात को देखेंगे, तो राजा बड़े शान में श्लोक बोल रहा था, देखो क्या हमारे ठाट है, ऐसे 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 तरह तरह से लोग हमको जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं,
तो तीन लाइन बोलाओ, तो चौथी लाइन वो ब्राह्मण नीचे से बोल गया कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। राजा साहब जो आप कह रहे हैं कि स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं और सब हमारे नौकर चाकर हमारी मुआफिक है, ये सब मरने के पहले तक के हैं। आंख बंद होने के बाद सब एक लाइन से खड़े किए जाएंगे और कर्मों के हिसाब से दंड मिलेगा सबको। राजा साहब ने कहा अरे कौन है नीचे, नौकरों ने पकड़ा, यहां महल में अंदर। हाँ राजा साहब मुझे मालूम है मुझे आप फांसी देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं मैं इसलिए आया था, रात भर में तमाम सामान में हाथ लगाया लेकिन शास्त्र वेद याद आ गए, चोरी नहीं किया। ने कहा हाँ तू तो धन्य है, मैं अब तक गफलत में था कि ऐसे ही हमेशा रहेगा जो वर्तमान काल में है, इस धोखे में था, अब समझ में आ गया, ले सारा राज्य ले ले, मैं अब चला जंगल को राधे राधे करने। तो सत्व ज्ञान देखो उसको था इसलिए वो चोरी नहीं कर सका, बच गए। तो ऐसे ही गुरु का ज्ञान सदा साथ रहे तो आदमी अपराध न करे, बचा रहे, भूल जाता है। जब तक लेक्चर सुना तब तक सब ठीक ठाक है और फिर भूल गया, और जब भूल गया तो फिर पशु हो गया, फिर क्या अंतर है मनुष्य में पशु में।